झारखंड के सिमडेगा जिले के पिथरा पंचायत की बेटी सलीमा टेटी के गांव बरकी छापर में खुशी का माहौल है। भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में प्रवेश की खुशी में ढोल नगारे पर थिरकने के बाद परिवार धन रोपनी में जुट गया है। बरकी छापर जैसे छोटे गांव की रहने वाली सलीमा टेटी एक दिन ओलंपिक खेलने जाएंगी, ऐसा परिवार के किसी सदस्य ने नहीं सोचा था। लेकिन आज सलीमा टेटी अपनी मेहनत और माता पिता के आशीर्वाद से ओलंपिक में अपना जलवा बिखेर रही है। गांव के लोग ढोल नगारों के थापर झूमकर नाच गाकर महिला हॉकी के सेमीफाइनल में प्रवेश करने पर खुशियां मनाई। यह खुशी गांव के लोगों को सलीमा टेटी की उपलब्धि पर मिली है। सिमडेगा जिले के छोटे से गाँव बड़की छापर निवासी सलीम टेटी गाँव से निकलकर आज टोक्यो ओलंपिक में खेल रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल सलीमा टेटी टोक्यो ओलंपिक में शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है। हॉकी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। सेमीफाइनल में महिला हॉकी टीम के प्रवेश करने के बाद सलीम टेटे के गांव में पूरी तरह से जश्न का माहौल है। सलीमा टेटे की उपलब्धि पर मां फूले नहीं समा रही है, बरबस उनके चेहरे पर बेटी की जीत की मुस्कान नजर आ रही है। गांव के लोग भी पूरी तरह से खुश है। सलीमा टेटे की छोटी बहन ममता टेटे भी अपनी दीदी की उपलब्धि पर पूरी तरह से खुश है और अपनी बड़ी बहन को बधाई देते हुए फाइनल जीतने की कामना कर रही है। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि मेरी दीदी टोक्यो में पूरा क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल तक। इसी के लिए हम लोग को बहुत गर्व है कि मेरी दीदी पूरी भारतीय टीम सब कोई क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल के लिए। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल मैच भी जीते। हम लोग से ही उम्मीद है कि गोल्ड मेडल भी लेके सेमीफाइनल के बाद फाइनल फाइनल भी जीत के आएगी। और कितना खुशी लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है कि हमारी दीदी सब खेल रही है टोक्यो ओलंपिक। आप भी खेलते हैं हॉकी? हम भी खेलते हैं हॉकी। अभी सलीमा दीदी को टोक्यो में खेलते हुए कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है कि हम भी अगर कोरोना मतलब कि लॉकडाउन नहीं रहता ना तो हम लोग भी बहुत आगे जा चुके होते हैं। अभी तो सलीमा दीदी को देख के और मन में लगता होगा ना? मन में लगता है कि हम लोग भी खेलते तो हम लोग भी आगे जाते, ऐसे लगता है। अभी तो प्रयास करना है, बहुत ज्यादा करना है। कितना खुशी है दीदी की उपलब्धि पर? बहुत खुशी हो रहा है पूरा गांव, हम लोग पूरा भारतीय टीम वाले लोग सबको क्वालिफाई कर गई है। इसकी वजह से मेरा गांव वाले सबको देखने के लिए आते हैं मैच। हम लोग जनरेटर ऑन करके देख रहे हैं फिर भी सबको आ जाते हैं देखने, सबको ताली बजाते हैं। इंडिया टीम गोल मारता है तो।